एक छान पैकी अमोल पालेकरांनी एक चित्रपट केला होता, थोडासा रुमानी हो जाय. त्याच्यामध्ये खोटा पाऊस आणतो एक माणूस, दुष्काळ पडलेला आहे आणि तो म्हणतो मी पाऊस आणेन, 5,000 रुपये द्या. मुलगी म्हणते हा खोटा आहे, पाखंडी आहे. बाप म्हणतो पण बघूया तरी. तो मुलगा जो आहे तिचा भाऊ, तो म्हणतो सच्ची मुच्छी बारिश. म्हणतो हा मेरे दोस्त, वही बारिश, वही बारिश जो आसमान से आती है, बूंदों में गाती है, पहाड़ों से फिसलती है, नदियों में चलती है, नहरों में मचलती है, कुएं पोखर से मिलती है, खपरेलों पर गिरती है, गलियों में फिरती है, मोड़ पर संभलती है, फिर आगे निकलती है, वही बारिश. ये बारिश अक्सर गीली होती है, इसे पानी भी कहते हैं. उर्दू में आप, मराठी में पानी, तमिल में तन्नी, कन्नड़ में नीर और बांग्ला में इसे जौल कहते हैं. संस्कृत में जिसे वारी, नीर, जीवन, पय, अमृत, उद, अंबु भी कहते हैं. ग्रीक में इसे अख्वा प्यूरा, अंग्रेजी में वाटर, फ्रेंच में एयर और केमिस्ट्री में H2O कहते हैं. ये पानी जब आंख से ढलता है तो आंसू कहलाता है, लेकिन चेहरे पे चढ़ जाए तो रुबाब बन जाता है. कभी कभी ये पानी सरकारी फाइलों में अपने कुएं समेत चोरी भी हो जाता है. पानी तो पानी है, पानी जिंदगानी है. इसलिए जब रूह की नदी सूखी हो, मन का हिरन प्यासा हो, दिमाग में लगी हो आग और प्यार की गागर खाली हो, तब मैं हमेशा ये बारिश नाम का गीला पानी लेने की राय देता हूं. मेरी मानिए तो ये बारिश खरीदिए, सस्ती सुंदर टिकाऊ बारिश, सिर्फ 5,000 रुपए में. इससे कम में कोई दे तो चोर की सजा हो मेरी, आपकी जूती सिर पर मेरी, मेरी बारिश खरीदिए. इतकं सुंदर लिहिलेलं आहे, त्याला एक अशी छान लय आहे. मग अशी मी सांगत असताना म्हणत होतो की जिसमें एक लय है, आरोह अवरोह उसके तय है, तो उसकी वजह से याद नहीं करना पड़ता क्या बोल रहा हूं मैं. वो जाके बचपन की कविता है, वाटते सानुली मंद झुळ कमी भावे, घेईल ओढ मन तिकडे स्वैर झुकावे, कधी बाजारी तर कधी नदीच्या काठी, वेळू तर कधी पडक्या वाड्या पाठी. हे आठवावे नाही लागत, त्या आतमध्ये रक्तामध्ये अशा इतक्या आतमध्ये खोल रुतलेल्या असतात, त्यामुळे ते अशा सहज. कैसे बताओ मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो, कैसे बताओ मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, प्यार हो, प्रीत हो, मनमीत हो, आंखों में तुम, यादों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में, मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम, जाऊं कहीं देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो वहीं, कैसे बताओ मैं तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं, कैसे बताओ मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन. हे छान पैकी माधुरी दीक्षित साठी बोललो होतो, त्यामुळे ते इतका आतमध्ये जाऊन रुतलेलं आहे, ते विसरलंच जात नाहीये. काही गोष्टी नुसत्या आता स्वप्न म्हणूनच राहिलेल्या आहेत. पुन्हा एकदा तुम्हा सगळ्यांना जे इथे म्हणालो, हा सगळा झाला याचा भाग, जे म्हणालोय ज्याच्या मागची भावना आहे, हे सुरू करण्यामागची, इथून विचार करा, इथून सुरुवात होते आणि मग तो चढत जाऊ दे आणि मग इथे येऊ दे आणि मग इथे क्लिक करा आणि तो राहू दे. तुमचं देणं आहे, समाजाचं काहीतरी देणं आहे, आपलं सतत काहीतरी देणं आहे. आपल्याला देवाना दोन हात दिलेले आहेत, त्याचं कारण आपल्याला दोन हात पुरेसे आहेत. दोन हातामध्ये जेवढं मावेल तेवढं आपल्याला पुरेसं आहे, तेवढं भरल्यानंतर ते मातीत पडण्याच्या अगोदर लोकांना देऊन टाका तुम्ही, कारण ते नाहीतरी जाणारच आहे.